नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है। इस मौसम में अगर आप भी टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में हम अपने गार्डन की केयर कैसे करनी चाहिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला कि क्या करना चाहिए और दूसरा क्या हमें अपने गार्डन में नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वाला होने वाला है। तो अगर अभी तक आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे कुछ 5 पॉइंट्स जो हमें क्या करना चाहिए अपने गार्डन में विंटर सीजन में अपने पौधों को बचाने के लिए, हेल्दी फ्रूट्स लेने के लिए। उसमें जो पहली चीज़ है दोस्तों कि पानी की जो आवश्यकता होती है हमारे प्लांट्स को, हमें वाटरिंग कब, कैसे और कितना करना चाहिए। वाटरिंग का दोस्तों थंब रूल है, मैं अपने पिछले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को कि जब तक आपकी मिट्टी की ऊपर की 2 इंच की सतह कम से कम ड्राई ना हो जाए तब तक आप अपने पौधों में वाटरिंग ना करें। तो आप अपने पौधों को पानी दें, चूँकि विंटर सीजन में जल्दी ड्राई नहीं होती है मिट्टी, तो वाटरिंग करें। पर ये चेक करके करें कि कब आपके पौधों को कितनी पानी की आवश्यकता है। फिर दूसरी दोस्तों, सनलाइट। हमारे पौधों को सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सनलाइट में ही, धूप में ही फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने लिए भोजन की पकाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने पौधों को डेली एटलीस्ट विंटर सीजन में 6 से 8 घंटे की धूप दें। अगर 6 से 8 घंटे की नहीं मिल पाती तब भी आप कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे की सनलाइट ज़रूर आपके सभी पौधों को मिलती रहे, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं मिलेगी पौधे भोजन नहीं पाएंगे तो फिर हेल्दी कहाँ से होंगे और अच्छी फ्रूटिंग कहाँ से आपको मिलेगी। ये तो हो गई दूसरे दूसरे पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि सर्दियों में दोस्तों जो गमले हमारे पानी जब हम देते हैं तो वाटर जो होता है वो जल्दी ड्राई नहीं होता है, तो जड़ें जो हैं वो हमेशा नम रहती हैं, तो उसमें रूट रॉट का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हफ्ते में एक बार एटलीस्ट हमें अपने सभी पॉट्स की गुड़ाई कर देनी चाहिए। देखिए, जैसे मैंने अभी कल ही की हुई है, कुछ मेरे गीले पॉट्स थे तो उनकी नहीं की है, उनकी भी ड्राई हो जाएगी मिट्टी थोड़ी, तो फिर उनकी भी होगी। तो इस प्रकार अगर मिट्टी आपकी बहुत ही भुरभुरी है तो आप हाथों से भी कर सकते हैं अथवा किसी टूल की मदद से आप इसकी हफ्ते में एक बार एटलीस्ट गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करने से दोस्तों क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसमें एरेशन बढ़ जाता है और हमारे रूट्स को डायरेक्ट एयर मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और जो मिट्टी में नमी होती है वो भी जल्दी ड्राई होती है, तो हमारे रूट्स को डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो चौथा है कि हमें क्या करना चाहिए, चौथा काम, सर्दियों में दोस्तों फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मिट्टी मोस्टली गीली रहती है और जहाँ मिट्टी गीली होती है तो वहाँ फंगस रूट्स में बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। तो फंगस से बचाने के लिए हमें अपने पौधों पे रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए, या फिर किसी फंगिसाइड पाउडर से आप उसका लिक्विड बना लें और उससे भी आप अपने पौधों पे स्प्रे कर सकते हैं फंगस से बचाने के लिए। क्योंकि अगर फंगस एक बार पौधों में लग जाता है तो फिर पूरे के पूरे पौधे को वो फंगस बेकार कर देता है, पौधा सूख जाता है या पत्तियां पीली पड़ के गिरने लग जाती हैं। तो हमें रेगुलर फंगस से बचाने के लिए अपने पौधों को सर्दियों में स्प्रे करते रहना चाहिए। चाहे नीम ऑयल से आप स्प्रे कीजिए या फिर किसी एंटी फंगल पाउडर से स्प्रे कीजिए। फिर दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है कि हमें हफ्ते में एक बार या 2 बार अपने सभी प्लांट्स पे देखना चाहिए, क्योंकि कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे सूख जाते हैं फूलने के बाद, तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए, या फिर जो पौधे पत्तियां पीली पड़ रही हैं उन्हें पौधों से अलग कर देना चाहिए। मतलब आप ये कह लें कि सॉफ्ट प्रूनिंग एक तरह से, कि जो
चीज़ें पौधों में ख़राब हो रही हैं, आपको देखते रहें, जो पत्तियां नीचे मिट्टी में लग रही हैं उनको भी आपको पौधों से हटा देना चाहिए, ताकि उस पत्ती की मदद से या उस ख़राब ब्रांच की मदद से कोई नुकसान आपके पौधों को ना पहुंचे। तो ये 5 बातों का ख्याल रखें और इनको अपने विंटर गार्डन में अप्लाई करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए सर्दियों में अपने गार्डन में। तो उसमें दोस्तों पहले पॉइंट पे आता है, ओवर वाटरिंग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जब हम ओवर वाटरिंग हो जाती है तो पौधों की रूट्स डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जल्दी हमारी रूट्स मिट्टी सूखती नहीं है तो ये डैमेज हो जाती हैं हमारी रूट्स और पौधा मरने लगता है। तो हमें ओवर वाटरिंग से बचना चाहिए। अब दूसरा दोस्तों कि हमें ओवर फर्टिलाइजेशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि हमें जितनी जिसकी भूख है उसको अगर उससे ज़्यादा खाना दिया जाएगा तो वो उसको पचा नहीं पाएगा, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर पौधे हमारे डोरमेंसी की पीरियड में रहते हैं या फिर पतझड़ का मौसम हो जाता है तो वो अपने जो लीव्स हैं उन्हें ड्रॉप करते हैं, तो उन्हें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, और हम जब ज़्यादा कंपोस्ट देंगे तो फिर वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो हमें ओवर कंपोस्टिंग से भी बचना है। तीसरा दोस्तों कि ये जो सर्दी का मौसम है, ये अभी मैंने आपसे बताया कि ये डोरमेंसी का पीरियड होता है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पौधों के, तो इसमें पौधों की ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे नहीं होती है, पौधे आराम नेचुरल तरीके से स्लोली स्लोली ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे मौसम में ऐसे टेम्परेचर पे आपको रीपॉटिंग नहीं करना है, अपने पौधों की रीपॉटिंग इस मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब हम रीपॉट करते हैं पौधे को तो फिर पौधा फिर ग्रोथ पकड़ नहीं पाता है, उसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं जल्दी, तो पौधे का विकास रुक जाता है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारा पौधा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, तो रीपॉटिंग से हमें बचना चाहिए। रीपॉटिंग का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है या तो आप रेनी सीजन में करें या फिर मार्च अप्रैल के टाइम पे कर लें, या फिर आप विंटर स्टार्ट होता है जब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तब कर लिया जाए, तो रीपॉटिंग से हमें बचना चाहिए विंटर सीजन में। और फिर दोस्तों आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। चौथा, विंटर सीजन में हमें अपने किसी भी प्लांट्स के हार्ड प्रूनिंग बचना चाहिए। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हो पर हार्ड प्रूनिंग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जब हम हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो पौधे की विकास बाधित हो जाती है। सॉफ्ट प्रूनिंग करने आपके कुछ स्टेम्स ज़्यादा बड़े हो रहे हैं तो अगर आपको महसूस होता है कि सॉफ्ट प्रूनिंग की आवश्यकता है तो हम उसमें सॉफ्ट प्रूनिंग तो कर सकते हैं, पर हमें इस विंटर सीजन में हार्ड प्रूनिंग से बचना चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ डूज एंड डोंट्स जो मेरी नॉलेज के हिसाब से थे, मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।